एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रुतिज किचन। आज मेरे साथ मेरी मम्मी है जो हमें पानी पूरी का टमाटर वाला पानी बनाना बताएंगी। टमाटर वाला पानी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है पानी पूरी के साथ खाने में। हम जब छोटे थे और हमें सर्दी खांसी हो जाती थी और पानी पूरी खाने का मन करता था तो मम्मी हमें टमाटर वाले पानी से ही पानी पूरी खिलाती थी, तो हमारा गला भी खराब नहीं होता था और हम आराम से पानी पूरी खा पाते थे। तो आइए देखते हैं इस पानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। हमें चाहिए 8-9 टमाटर जो सख्त और लाल हों, नमक 1 चम्मच, आंवला 1 आंवला लिया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच काला नमक है, ये मैंने लौंग लिए 6 से 7, 10-12 काली मिर्च है। हरी मिर्च अपन स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं, जो कम तीखा खाना चाहे वो कम हरी मिर्च ले सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 कप मैंने धनिया लिया है और 1/2 कप पुदीना लिया है। नींबू का रस, ये मैंने एक नींबू का रस लिया। सबसे पहले हम टमाटर को ब्लांच करने के लिए यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए यहाँ पर हमें क्रॉस के बाद हम बॉइल्ड पानी के अंदर इन टमाटरों को ब्लांच करेंगे। ये मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है जो बॉईल करना है, इसमें टमाटर बॉईल होंगे। ये पानी बॉईल हो रहा है, इस तरह के पानी में ही हमको ये कटे हुए टमाटर, क्रॉस लगे हुए टमाटर डाल रहे हैं। और इनको ढकना है, ये हमें सिर्फ 4 मिनट ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इनका छिलका उतारना है। अब मैं इसमें से टमाटर निकाल कर ठंडा करूँगी और छिलके निकालूंगी। इस तरह से हमने ये टमाटरों के छिलकों को निकाल लिया है और इनके पीसेस कर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, ये हेल्दी होता है इसलिए मैंने डाला है। ये आंवला, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आप अपनी स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। आपको तीखा पानी पसंद है तो आप ज्यादा मिर्च ले सकते हैं। ये अदरक, धनिया जो मैंने साफ करके रखा है, ये पुदीना, इसकी पत्तियां निकाल कर रखी है मैंने, ये लौंग, ये काली मिर्च, ये जीरा पाउडर, ये नमक, ये काला नमक, और ये नींबू का रस, सबको अच्छे से मिक्सी में पीस लें। अब मैं इसी के साथ 2 से 2.5 ग्लास पानी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर। टेस्टी एंड हेल्दी टमाटर का पानी तैयार है, इसे पानी पूरी के साथ खाइए। आज ही ट्राई करिए अपने घर पे और अपना एक्सपीरियंस प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरी मॉम की ये रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।